नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज और एक बहुत ही खूबसूरत गीत के नोटेशंस, इजी नोटेशंस आपके लिए लेकर आया हूँ। फिल्म रात और दिन का ये सॉन्ग है, दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ। गीत की फरमाइश अमिया राउत जी ने की है। ये शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर और मन्ना डे उनकी आवाज़ है और इसको शंकर जयकिशन जी ने स्वरबद्ध किया है। तो बहुत खूबसूरत गीत है और जितना सिंपल हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही जो लोग बहुत अच्छे अच्छे गीतों की फरमाइश भेज रहे हैं कमेंट्स के जरिए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी फरमाइशों के जरिए मुझे भी ऐसे गीत ट्राई करने का मौका मिल रहा है और सीखने का, और साथ में बाकी के सारे व्यूअर्स भी, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे ही अपने अच्छे गीतों की फरमाइश, पुराने गीतों की फरमाइश बॉलीवुड के आप भेजते रहिए। तो थोड़ा सा मैं बजा कर दिखाता हूँ आपको, मुखड़ा और अंतरा, और उसके बाद हमेशा की तरह एक एक लाइन करके हम लोग इसको सीखते हैं, सी की के हारमोनिका पे। सारे नोटेशंस सी को सा मान के मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो टेम्पो में मैं बजाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर लगे। ये हो गया मुखड़ा पार्ट और अपंतरा। इस तरह से बजेगा ये सॉन्ग। अब मुखड़े की पहली लाइन से शुरू करता हूं। दिल की गिरह खोल दो, दिल की गिरह खोल दो, ये पहली लाइन ग नोट से हम लोग बजा रहे हैं। गा गा सा 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 धा 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 पा पधा। ये ध और प लोअर ऑक्टेव के नोट्स लगेंगे। गा गा सा सा ध प पधा, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। मैं उतने लोअर ऑक्टेव पे नहीं गा रहा हूँ, आप स्वरों पे, मेरे गाने पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आप बस नोटेशंस के सारे बजाइए। धा पा पा धा 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 पा पा धा धा परे रे सा सा सा
परी रे सा सा ध प प ध ध। ध प प ध ध परी रे सा सा सा। इसके आगे की जो आलाप वाली लाइन, एक फास्ट आलाप लता जी ने लिया है, बहुत ही खूबसूरत, और यही इस गाने की खूबसूरती है। तो इसको थोड़ा ब्रेक करके हम लोग बजाएंगे। गरे मा ग पा मा धपा, गरे मा ग पा मा धपा, इस तरह से गरे मा ग पा मा धापा। उसके आगे धापा मा धा, तो ये पूरा का पूरा अगर आप जोड़ देंगे तो गरे मा ग पा मा धापा धापा मा धा, इस तरह से आपको बजाना है। और ये एक फास्ट लाइन है, इसको आप थोड़ा मास्टर कीजिएगा। महफिल में अब कौन है अजनबी, धा 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 धा, यहाँ पे एक कोमल धा भी लग रहा है। धा 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 मा मा पा मा गा, धा 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 मा मा पा मा गा। तुम मेरे पास आओ ग ग ग मा पा मा पा मा गा रे सा, ग ग ग मा पा मा पा मा गा रे सा। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। तो ये हो गया इसका मुखड़ा पार्ट, जिसमें जो आलाप है उसको आप खास तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अंतरा, मिलने दो अब दिल से दिल को, मिलने दो अब दिल से दिल को। तो अगर आप गीत को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगना चाहिए इतने दिनों के बाद कि मिलने दो अब दिल, तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो ग से हम शुरू कर रहे हैं। गा 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 ग सा, ग से एकदम अपर ऑक्टेव के सा पे हम जंप करते हैं। गसानी गा धा पमा, मिटने दो मजबूरियों को, मा 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 गा मा पा मा पा मा गा गा। तो एक बार आप इस तरह से बजाइए और फिर यही लाइन रिपीट होगी। यहाँ तक सेम बजेगा, उसके बाद एक फिलर जो हम बोलते हैं गामा पा, उसके आगे अगली लाइन शीशे में अपने डुबो दो, धा 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 मा, धा 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 मा 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 पा मा गा रे। स
सब दूरियों सब फासलों दूरियों को नीनी पधा पा मगा आँखों में मैं मुस्कुराऊं तुम्हारी गा गा रे गा सा ध प ध ध प प ध ध जो तुम मुस्कुराओ परे रे सा 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 यहाँ से फिर मुखड़े की तरह मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है ये, मेलोडियस, बहुत ही खूबसूरत ढंग से अंदाज में गाया गया है और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है। तो आप इस गीत को ज़रूर ट्राई कीजिए, पहले गीत को अच्छी तरह सुन लीजिए दो चार बार, और अपने दिमाग में जब आपकी उसकी धुन बस जाए तो फिर आप ट्राई कीजिएगा। डिफ़िकल्ट नहीं है नोटेशंस, लेकिन आपको गाने की ट्यून के साथ बजाना है। इसमें एक आलाप पार्ट जो है वो थोड़ा सा फास्ट है, तो वहाँ आपको ज़रा मेहनत करनी है। तो चलिए, आशा है आपको ये नोटेशंस इस गीत को बजाने में आपकी हेल्प करेगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी आपके म्यूज़िक लविंग अगर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लेसन को एंड करता हूँ और फिर मिलता हूँ जल्दी किसी और गीत के नोटेशंस के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।